तो दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच ही मैट्रिक का रिजल्ट अब घोषित हो चुका है। पिछले एक दो सालों से मैट्रिक का रिजल्ट सबसे पहले आता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई। तो हम अब बिना किसी देरी के आपको फटाफट से बताते हैं कि इस साल के मैट्रिक के टॉपर कौन है। तो दोस्तों, इस साल के मैट्रिक के टॉपर है हिमांशु राज। उन्हें 481 अंक मिले हैं, यानी 96.02% लाकर वो पूरे बिहार में पहले स्थान पर हैं। और ये जो है रोहतास के जनता हाई स्कूल के स्टूडेंट है। दूसरे नंबर पर हैं दुर्गेश कुमार। इन्हें पहले नंबर वाले छात्र से सिर्फ एक नंबर कम मिले हैं, मतलब 480 अंक मिले हैं, और ये समस्तीपुर के SK हाई स्कूल से हैं। तीसरे स्थान पर तीन टॉपर हैं। पहला नाम है शुभम कुमार, ये आरा के हैं। दूसरा नाम है औरंगाबाद के दाऊद नगर स्थित पटेल हाई स्कूल के रणवीर का। और तीसरा नाम है जूली कुमार का, ये अरवल के बालिका हाई स्कूल की छात्रा है। और इन तीनों को ही 478 अंक मिले हैं। और इस तरह से जूली जो है वो लड़कियों में टॉपर बनी है। चौथे नंबर पर भी तीन स्टूडेंट्स हैं। तीनों ही छात्रों को 474 अंक मिले हैं, सन्नू कुमार, मुन्ना कुमार और नवनीत कुमार। पांचवें स्थान पर है रंजीत कुमार गुप्ता, इन्हें 476 अंक मिले हैं। छठे नंबर पर सात परीक्षार्थी हैं, सभी को 475 अंक मिले हैं। उनके नाम हैं अंकित राज, स्तुति मिश्रा, अंशुमन कुमार, ज्योति कुमारी, दीपांशु प्रिया, आफरीन तलत और अंकित कुमार। वहीं सातवें नंबर पर रवि रंजन और शशि कुमार को 473 अंक मिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं पासिंग परसेंटेज की। इस बार स्टूडेंट्स का पासिंग परसेंटेज जो है 80.59% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है। पिछले साल ये आंकड़ा 80.73% था। अब हम बात कर लेते हैं कि इस साल कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, उनमें कितने छात्र थे और कितनी छात्राएं थी। तो इस साल परीक्षा में पास हुए कुल छात्र छात्राओं की संख्या 12,04,030 है, जिनमें से 6,13,485 छात्र हैं और 5,90,545 छात्राएं। इस साल 4,03,392 विद्यार्थी पहले डिवीजन से 5,24,217 सेकंड डिवीजन और 2,75,402 थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। अगर हम बात करें लड़कों और लड़कियों के प्रदर्शन की, तो इस बार लड़कों का जो प्रदर्शन है वो लड़कियों के मुकाबले काफी बहतर रहा है। आज ये रिजल्ट जो है 12:30 के करीब बिहार बोर्ड ने जारी किया है। मौके पर बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा, आनंद किशोर और RK महाजन मौजूद थे। कोरोना महामारी जैसे संकट के बीच मैट्रिक का ये रिजल्ट कई परिवारों में खुशी लेकर आया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इन छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। देखते रहिए बिहार तक।